हेलो एवरीवन, वेलकम टू पता किचन। मैं हूं अनिकेता। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की रेसिपी आप समझ ही गए होंगे, ये है मावा मोदक, जिसे आप मलाई मोदक भी बोल सकते हैं। ये मेरे 5 साल के बेटे को इतना पसंद आया कि वो बार बार मांग रहा था। तो आप ये जरूर ट्राई करें घर पर, और तो मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, ये मोदक परफेक्ट बनाने के लिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी गरम करना है, फिर डालना है उसमें 1 कप मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, या फिर आप इसकी जगह 1 कप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर डाला है 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी 1.5 कप कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। फिर डालना है केसर। अब इसे मिलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार कुक करना है। लगभग 10 मिनट के बाद ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर डाल देंगे हम चीनी, इलायची पाउडर, और फिर चीनी से मॉइस्चर रिलीज होगा जिससे ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो इसे हमें फिर लगातार कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, और मिक्सचर कुछ ऐसा गाढ़ा होकर एक लंप की तरह हो जाएगा। तो हमारा मावा रेडी है मोदक बनाने के लिए। अब इसे इमीडिएटली एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और इसे हल्का सा ठंडा होने दें। उसके बाद मैंने डाला है इसमें नारियल का बुरादा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे पर्सनली नारियल का बुरादा बहुत पसंद है, तो आप इसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा होने दें। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो फिर हम इससे मोदक बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये मोल्ड, और उसमें मावा अच्छी तरह से भर लेना है, और फिर दबाकर ऐसे मोदक का शेप आ जाएगा। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसे डोम का शेप दे दें, और फिर एक टूथपिक या एक फोक से उसमें साइड्स में लाइंस बना दें, या फिर आप इसे पेड़ा का शेप भी दे सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट मावा मोदक तैयार है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ही अच्छा है, और ये फटाफट बन जाने वाला है। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।